सुबह के वक्त जब आप दोनों उठते हैं, ये आपको उठाते हैं या आप इनको उठाते हैं, ये रन मुरीद हैं, ये खुद नाश्ता बनाते हैं, डबल रोटी को जैम लगाते हैं, आपको उठाते हैं खिलाते हैं, क्या मामला होता है अपनी जुबानी नाजरीन को बताएं। असा गला करके नानू उठांदे हैं, किचन च भेजदे हैं, चाह बनांदे हैं, डबल रोटी भी तलदे हैं। नहीं मेरी पंजाबी इतनी कोई अच्छी नहीं है, वैसे उर्दू भी अच्छी नहीं है। आगे पीछे देखते हो बबरों की तरह, क्यों देखते हो इनको यूं बेसब्रों की तरह, क्यों आगे पीछे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं शेख सुल्तान और ये हैं इनकी प्यारी सी बेगम, जिनको ये ज़ौजा माजदा का दर्जा देते हैं। नाम है इनका हिरा सुल्तान, MBBS डॉक्टर हैं, और शेख साहब का ये दावा है कि ये जनूबी एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं। ये जब तक अपनी बेगम के पाँव ना दबाएं, ये जब तक इनकी सेवा ना कर लें, ये जब तक इनकी खिदमत ना कर लें, इनको सुकून नहीं मिलता। और शेख साहब का ये भी कहना है कि मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी में जो कुछ भी दिया मेरी बीवी की दुआ है। और इनका ये मानना है कि वही शख्स दुनिया में कामयाब है जो पंजाबी में कहते हैं बुढ़ी थले लगा है। आपका ये दावा क्यों है कि आप जनूबी एशिया के सबसे बड़े रन मुरीद हैं? देखिए जी, हमारे जनूबी एशिया में जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे जो है मशहूर लोग पैदा हुए, चंगेज खान हुए, आप हुए, ठीक है, आप तो भी कवारे हैं। मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तो डाउनलोड हुआ था फायरफॉक्स से। तो जिस तरह बहुत सारे हमारे मशहूर लोग जो है जनूबी एशिया में पैदा हुए, सारे के सारे रन मुरीद थे, किसी ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया कि वो रन मुरीद थे। मैं वाहिद वो मर्द हूँ जिसने एक्सेप्ट किया है, ये खुला दावा किया है कि हाँ मैं एक रन मुरीद हूँ। Oh no! आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ? 4 महीने हुए। पैदा कहाँ पे आप हुए थे? मैं मियामी फ्लोरिडा में पैदा हुआ। वहाँ तो सवाल नहीं पैदा होता, पैदा कैसे? आपकी स्टोरी है क्या ये पहले बताएं? ये हमारी लव मैरिज थी। लव मैरिज हुई कैसे? इनको आपने पहली नजर देखा कहाँ पर? जी मैंने इनको अपनी एक दोस्त की शादी की मेहंदी के ऊपर मेहंदी में देखा था। वहाँ ही जो है हम आपकी जुबान में थोड़े सस्ते हो गए। आप सस्ते हुए थे या मतलब इन्होंने आपको लाइन मारी थी? ये इतनी अच्छी लग रही थी कि हमने अपनी वैल्यू गिरा दी। ये क्या पहन कर आई थी जो आपने देखा और आप दिल दे बैठे और आपके दिल में कॉर्नर वाला प्लाट मिला? ये जो थी मर्दाना सलवार कमीज पहन के आई हुई थी और अजरक पहनी हुई थी इनने, और बाल इन्हें बंद किए हुए थे। ये जो थी मुझे बड़ी पसंद आई। मर्दाना सलवार कमीज पहने तो मूछें भी निकली हुई जी, थ्रेडिंग करवाई भी थी तब। अंधेरे में नहीं पता चलता, ये तो फायदा अंधेरे में। सोचा क्यों कि अब मैं इनसे शादी कर लूंगा, कहीं ये कोई सालन डाल रही होंगी या कोई वो मुर्गी का लेग पीस इन्होंने मुंह में डाला होगा और कहा होगा कि थोड़ी सी मीठी चटनी डालें, यही बात आपके दिल में उतर गई होगी? बिल्कुल जी, जब ये जो है ना लेग पीस निकालती थी तो मैं जो है ना चटनी आगे जो है ना पूरी कर देता था। वो कहती थी क्या ये आपकी सर्विस? मैं कहा बिल्कुल जी, सर्विस ही सर्विस। आपको ये कैसे लगे पहली नज़र में एक ही शादी पर आप दोनों मिले, तो इन्होंने जब आपको प्रपोज किया तो उन्होंने देख लिया कि क्या फजूल साहब ने पीछे उठो? शुरू में तो ऐसा था कि उसी टाइम तो प्रपोज नहीं किया ना, फिर थोड़ा सा खट्टा मीठा इन्होंने किया। नंबर खट्टा मीठा क्या होता है? खट्टा मीठा ये होता है कि बस लाइनें मारने की कोशिश की लेकिन मैं काबू नहीं आई, फिर जो है नंबर ले लिया। आपने नंबर दे दिया? मैंने इनकी बहन को नंबर दिया था। बड़ी इनोसेंट, आपको पता था वहीं से ही मामला चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, हिसाब वही है, पकड़ा बंदा ही नहीं जाना। खरबूजा ऊपर हो या नीचे, कटना तो छुरी नहीं है, वही हिसाब वही नहीं है, कटता खरबूजा है। अच्छा नहीं, मैंने तो इनको काटा था। ठीक है, तो ये कितनी सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। ज़ाहिर है हर औरत का ख्वाब होता है उसका शोहर उसकी खिदमत करे, तो अब ये खिदमत करे तो हम भी फिर जोर शोर से कराते हैं। क्या क्या ये काम करते हैं जो आपको सबसे भले लगते हैं, अच्छे लगते हैं? मैं थकी होती हूँ, मुझे दबाते भी हैं, मेरे लिए सुबह चाय भी बनाते हैं, नाश्ता भी बनाते हैं, और कभी कभी कपड़े भी धो लेते हैं। आपकी थकावट ना उतरी हो, गुस्से में हो, तो आपने ग्लास, डोई, चम्मच, जूता, जो चीज़ उठा कर इनको मारी हो, सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ जोर से लगी? भाई जब खा लेते शादी खाने के लिए की है, खा लेते हैं। जब ये बहुत ज्यादा खुश होती हैं या नाराज होती हैं तो आप इनको मनाते कैसे हैं? जब ये नाराज होती हैं, जो ये कहती हैं मैं कहता हूँ यूर करेक्ट, आप ठीक कह रही हैं। आगे से बकवास नहीं करते आप? नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं करने की। क्या जरूरत है हमें जो है बकवास करने की कि आगे से बकवास आए? बहुत तेज है, बहुत तेज है। शोहर किसका? नहीं आपके नहीं, मेरे भी शोहर हैं। आपने इनको शोहर के रूप में कैसा पाया? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, प्यारे हैं, खूबसूरत है, अच्छे हैं, बहुत। इतने भी खूबसूरत नहीं है, देखने वालों को नजर आ रहा, अंधे नहीं है वो। मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर। खिदमत
करके आपको सुकून कैसा मिलता है, जो एक अंदर की जो फीलिंग्स है वो बताएं। खिदमत करके मुझे ऐसे सुकून मिलता है जैसे मैं एक वादी में खड़ा हूँ और वहाँ जो है ना जो है पानी जो है गिर रहा है। वादी में खड़ा हूँ और दादी अम्मा देख रही है। कभी आपने इनको मेकअप के बगैर देखा और आपका तरा निकल गया हो? ऐसी बात सोच समझ के जवाब। हड्डियां तोड़ दे इनकी, हड्डियां तोड़ दे। डोई पड़ी है अंदर। चार माह आपकी शादी को भी हो चुके हैं, कहाँ कहाँ घूमने गए? पहले मैं इनको जो है शालमी बाजार लेके गया, अकबरी मंडी लेके गया, ठीक है जी। उसके बाद मैंने हाल रोड लेके गया, फिर मैं इनको जो है हाल नहीं शेख पॉलिसी। अच्छा कहा जाता है कि शेख बड़े कंजूस होते हैं, तो ये कंजूस हैं? हम कंजूसी यार, आप प्लीज इस तरह ना से आप यार, ये कितने कंजूस हैं? मैं ऐसा कोई मौका आने नहीं देती कि इनको कंजूसी करना पड़े। आप तो दुआ मांगती होंगी, या अल्लाह मेरे हस्बैंड को पैसे दे, इनसे मैं खुद ही निकलवा लूंगी। बस ऐसा ही है कुछ। आप भी शेख हैं? ये शेख हैं तो नहीं, मैं पंजाबी हूँ। अराई अराई मैनू ना बुलाई। कोई सी दो अच्छी आदतें और कोई सी दो खामियां बताएं। सबसे बड़ी पहले अच्छी बताऊं बुरी बताऊं? बुरी बता दें, अच्छी तो मुझे नजर नहीं आ रही। आपको नहीं लगता कि आपने बड़ी लेट शादी की है? कोई थोड़ा सा और सबर कर लेती तो शायद अच्छा मॉडल मिल जाता। और सबर क्या, कब्र में टांगे पहुंचा के करती। आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है? डॉक्टरेट तो गायनी में ट्रेनिंग की है। चलें, हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है गायनी वालों के साथ, तो आपका भी नहीं होगा? मेरा भी नहीं है जी, मेरा जो है बेसिकली पहलवानों के साथ ताल्लुक है। ये पहलवान और ये गायनाकोलॉजिस्ट, ये मतलब क्या है? देखिए ना जी, वो कहते हैं ना ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट वाला सीन है। दोबारा कहें जरा, तीन दफा ये बार बार कहिए, ये बात ऑपोजिट अट्रैक्ट। ये गौर से इनका मुंह देखे, जब ये ऑपोजिट उस ट्रैक करते हैं, तीन फुट मुंह आगे निकल रहा है। खूबसूरत सा प्यारा सा मम्मी डैडी सा सॉन्ग इनको डेडिकेट कर दें, कुछ अच्छा सा। और आप लग हीर रही हैं इस वक्त, हीर। आप रांझे नहीं लग रहे, वो सिर्फ हीर लग रहे। कौन सा फिर गाओ? सुना रहे वो सुना है वो जो आपने मेरे भाई की मेहंदी पे गाया था। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी तो हो। क्या बात है। अभी अभी तो आए हो, बाहर बन के छाए हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले। बहुत बेसुरे, आपसे कम ही हूँ। भजन आप ही को सुना दे। बस जी मैं मुझे तो बड़ा पसंद आया। खैर जी, मेरी तरफ से मेरी बेगम को है गाना। अल्लाह माफ कर, क्या हो गया भाई? सिरप पकड़े हैं क्या? और पकड़े हैं आप तो, बच्चे पकड़ी जा रहे हैं। बच्चे डर गए हैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंजली वालड़िया, मंजली वाल, ओ भाई वालड़िया वालड़िया, ओ मंजली वालड़िया मुटियार, तू ता मोली ओ मुटियार, तेरा दो नैना दा प्यार नैना वालड़िए, दिल तू मन्नी ना। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊं, अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा। मुझे ऐसा लगता है, तुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है आपको? मैं तेरी मोहब्बत में पागल हो जाऊंगी, इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगता है, तुझे कैसा लगता है? मुझे तो जहर लगता है, आपको कैसा लगता है? हमें निरा ही जहर लगते हैं। हमने तंजो मजाक से भरपूर इनसे गुफ्तगू की। ये हमारे पाकिस्तान का एक वो लाइवली सा चेहरा है और जिनको मिलकर मुझे इंतहाई खुशी हुई। ये यूएस बॉर्न हैं, यूएस रहते हैं, यहाँ पर VCL के नाम से इनके कुछ जिम्स भी हैं। और ये जो हमारी बहन है, हमारी भाभी हैं, MBBS डॉक्टर है। मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में लोग मुस्कुराना भूल चुके हैं, एक जो मजा है उसको इंजॉय करना भूल चुके हैं। लेकिन मुझे इनके रूप में, मुझे इस बाजी में यासर शामी नजर
नजर आ रहा है जो लड़कियों की यासर शामी मुझे लग रही है। और ये जो भाई हैं, और ये तो माशाल्लाह एक जिंदा दिल आदमी है ही है, लेकिन जो सबसे बड़ा इनका क्रेडिट है वो इनकी रन मुरीदी है। अपने मेजबान यासर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। यार आपने उनके मुंह के आगे वो कर दिया, फिर आप कहते हैं मैं बड़ा हो गया मेरी मम्मी से बात करें, इस तरह नहीं बात हुई।